ओम स्थिराय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम अम्लेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड़ला टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ भगलामुखी का, माँ देव का आशीर्वाद और कपैदस्टी हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज सोमवार का दिन है, दिनांक 28 अक्टूबर सन 2024, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि परम द्वादशी तिथि रहेगी। आज रमा एकादशी व्रत वैष्णव जन द्वारा किया जाएगा, साथ ही आज गौवस द्वादशी व्रत भी किया जाएगा। बोलिए प्रेम से जय गौ माता। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज प्रातःकाल 7:58 से प्रातःकाल 9:22 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है, तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए, आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:58 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:22 से पूर्वान 10:46 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 1:34 से दोपहर 2:59 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायंकाल 4:23 से सूर्यास्त तक अव्रत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों ग्रहों के राजकुमार बुध मंगलवार दिनांक 29 अक्टूबर सन 2024 को, यानी धनतेरस के दिन रात्रि समय में 10:38 पर बदलेंगे अपना घर। ग्रहों के राजकुमार बुध 29 अक्टूबर सन 2024 को रात्रि 10:38 पर बदलेंगे अपना घर। जी हाँ दोस्तों, बुध करेंगे मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश। ग्रहों के राजकुमार बुध के महाराशि परिवर्तन से आप में से कौन बनेंगे करोड़पति, कौन बनेंगे रोडपति, किसे मिलेगी सरकारी नौकरी, किसका होगा ब्याह, आइए जानते हैं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से एर्थ हाउस के अंदर अष्टम भाव में होने जा रहा है। बुध आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। तो क्या होगा महाराज, रखना होगा आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक
कष्ट नुकसान से आपको बचना होगा। उपाय, किन्नर को श्रृंगार का सामान भेंट कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सेवंथ हाउस के अंदर सातवें भाव में होने जा रहा है। बुध करेंगे आपकी राशि से सातवें भाव में महाराशि परिवर्तन, तो क्या होगा? हो सकता है हमारे अविवाहित दर्शकों का ब्याह, और जिनका ब्याह हो चुका है उनके जीवन में होगा, वैवाहिक जीवन में होगा शुभता का संचार। आपकी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, गुड न्यूज मिल सकती है। जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लग सकती है, और जो बिजनेसमैन वाले हमारे दर्शक हैं उनको आने वाले समय में तगड़ा लाभ मिल सकता है। उपाय, गणेश जी महाराज की प्रतिमा को गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। निश्चित तौर पर बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, बुध करेंगे आपकी राशि से सिक्स हाउस के अंदर गोचर प्रवेश, महाराशि परिवर्तन छठे भाव में होगा बुध का महाराशि परिवर्तन, तो क्या होगा महाराज? यदि आप कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से परेशान हैं तो मिल सकती है आपको कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से मुक्ति। ध्यान में रखने वाली एक बात रहेगी, वो क्या है महाराज? सोच समझकर करनी होगी बातचीत। जब भी कोई बात करें, डील करें, तो सोच समझकर बोलिएगा, लिखा पढ़ी करके करिएगा। उपाय, कुष्ठाश्रम में हरी कमलों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी हैं भरतपुर से, प्रश्न पूछिए पंकज जी। गुरु जी, मेरा जन्म सन 1980 का है। 1 अगस्त 1980। 3 अगस्त 1980। एक अगस्त फर्स्ट जी, 1 अगस्त 1980। टाइम 4:20 शाम को। 4:20 4:20 8:20 रात को 8:20 जी। प्रश्न पूछे जी। मेरे को काम धंधा नहीं चल रहा है। पहले मैंने दुकान खेती परेड में चल की, वो काफी चली। अब 1 साल से घर बैठा हूँ मैं। देखिए, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, दो समस्याएं हैं इसके अंदर। पहली समस्या तो यह है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है। रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र कहलाता है। अपने माता पिता से पूछिए कि पैदा होते ही आपकी रेवती नामक गणमूल नक्षत्र की 27वें दिन विधिवत रूप से शांति कराई थी या नहीं कराई थी। यदि रेवती नक्षत्र नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति नहीं हो, 80 साल के हो जाओगे तो भी जीवन में भटकते रहोगे। तो पहला काम है मूल शांति। दूसरी चीज, आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य, शनि और मंगल की युति बनी हुई है। शनि एंड मंगल बोथ आर सिटिंग टुगेदर। आप इस कार्यक्रम को यदि लगातार देखते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मंगल का कंजक्शन बन जाता है, शनि मंगल दोनों एक साथ एक ही घर में बैठ जाते हैं, ऐसे जातकों को जीवन में या तो शारीरिक या मानसिक या आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की विधिवत शांति कराइए। तीसरा, आपकी कुंडली में बना हुआ पितृदोष, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं। उज्जैन जाकर पितरों की विधिवत शांति कराएं। वर्तमान में आपको सूर्य की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा है। आपके जीवन का, आपके कैरियर का अच्छा समय शुरू होगा अप्रैल 2025 से। आपका काम अच्छा चलेगा। आप कपड़े का व्यापार कर सकते हैं, आप किराने का व्यापार कर सकते हैं, आप फैंसी आइटम, लेडीज आइटम, अंडरगारमेंट्स का काम कर सकते हैं। आने वाला समय 10 साल का आपका शुरू हो रहा है, लेकिन वो अगले वर्ष से शुरू होगा। ये सरल उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। ओम प्रकाश जी बीकानेर से जुड़े, आपका प्रश्न बताइए। मुझे प्रणाम, खुश रहिए सर जी।
गुजरात और गढ़ के बारे में पता करना है। किसका? डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। 17 सितंबर 1965। हाँ, सुबह के 4 बजे स्नान भी करने उसी मेरे जो आपकी जो ग्रह की दशा चले कश्मीर माता से चले शुक्र ग्रंथ चल रहा है और सूर्य भी नीच का है मांस मांस के लिए मुझे क्या जड़ लाश डालने कर देती है और आगे महादशा का पूर्ण फल मिले सही फल मिले उसके लिए भी मुझे कौन सी जड़ कौन से रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए जो कि मेरा आध्यात्मिक आध्यात्मिक के लिए सहयोग करें। देखिए जहाँ तक शुभ परिणामों की प्राप्त है, वैसे यदि आप शनि की महादशा में आपका अभी तो शुक्र का अंतर है फरवरी 2026 तक, लेकिन उसके पश्चात जीवन का एक खराब दौर शुरू हो जाएगा जब शनि में सूर्य आएगा और शनि में चंद्रमा आएगा। डेट विल बी द नेगेटिव पीरियड ऑफ द लाइफ। वो पीरियड शुरू होता है आपका फरवरी 2026 से और ख़त्म होगा अगस्त 2028 में। तो लगभग ये 2-2.5 साल का पीरियड रहेगा, वो पीरियड आपके लिए घातक रहेगा। जहाँ तक आपका मूल प्रश्न है तो शनि के लिए तो एक तो नियम, चूँकि शनि वक्री है तो है स्वराशि का लेकिन वक्री है, शनिवार का नियम मान लीजिए कि आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है शनिवार को। शनि मंत्रों का 15 मिनट तक शाम को अवश्य जाप करें। ओम शम शनिश्वराय नमः, ओम शम शनिश्वराय नमः। कांसे की कटोरी में तेल भरें, उसमें चेहरे की परछाई डालें और फिर उस तेल को एक मिट्टी के दीपक में डाल के आपके हेड से टो एक बत्ती बना लीजिए, मोली नाप के हेड से टो तक, और फिर उसको बट के हथेली जितनी बत्ती बना के उस तेल में डुबो के उसको जला दीजिए। ये उपाय आप शनिवार अवश्य कीजिए। जहाँ तक रुद्राक्ष की बात है तो आप यदि गणेश रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं तो उससे सारी पर्पज सॉल्व हो जाता है, और नहीं तो आप 8 से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष भी यदि आप धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको, लेकिन रुद्राक्ष ओरिजिनल मिले उस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी आप 8 से 11 मुखी तक में या 10 मुखी तक में रुद्राक्ष आपको उपलब्ध हो जाए ओरिजिनल तो आप उसको धारण कीजिए। और अभी सब चीज़ें ठीक रहें, आपको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप पिछले 11 वर्ष से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जैसे दर्शक हमारे कार्यक्रम की पहचान है। माता रानी आपको सदा सुखी रखे, स्वस्थ रखे, यही मंगल आशीर्वाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। 5th हाउस के अंदर बुध करेंगे महाराशि परिवर्तन। तो क्या होगा महाराज? हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका लगने लगेगा पढ़ने में मन। एजुकेशन सेक्टर के अंदर पॉजिटिव न्यूज आएगी। कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है। और हमारे वो दर्शक जो संतान संबंधित चिंताओं से परेशान हैं, उन्हें मिलेगी संतान संबंधित चिंताओं से मुक्ति। बाप के बच्चों का, आपके विद्या का, एजुकेशन का एक अच्छा समय रहेगा। उपाय, अंध बच्चों को नए वस्त्रों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। 4th हाउस के अंदर बुध का महाराशि परिवर्तन होगा। क्या होगा महाराज? आने वाले समय में आपके खुद के घर का सपना पूरा हो सकता है, खुद के फ्लैट का, खुद का फार्म हाउस का, खुद की जमीन का सपना पूरा हो सकता है। यानी प्रॉपर्टी के सेक्टर में आपको विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और बुध के महाराशि परिवर्तन से आपको तन मन धन 3 तरह का सुख प्राप्त होगा। कौन कौन सा महाराज? तन का सुख, मन का सुख और धन का सुख। फिर क्या चाहिए? ये तीनों सुख अगर हैं तो हम तो अरबपति हैं। उपाय, वृद्धाश्रम में ताजा हरी सब्जियों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, बुध करेंगे आपकी राशि से 3rd हाउस के अंदर 3rd भाव में गोचर प्रवेश। राशि परिवर्तन, बुध का महाराशि परिवर्तन 3rd भाव में होगा। तो क्या होगा महाराज? पद पावर प्रतिष्ठा में होगी तगड़ी वृद्धि। देयर विल बी नेम एंड फेम फॉर यू।
आपके नाम को एक पहचान मिलेगी, भाई बहनों का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा, लॉट ऑफ अफेक्शन विल बी देयर इन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उपाय, श्री गणेश मंदिर में शुद्ध देशी घी एवं सिंदूर अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पे बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात कर रहे हैं बुध के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ परिणामों के बारे में, साथ ही आपके समस्याओं का निःशुल्क समाधान भी कर रहे हैं। छह राशियों की बात करिए, अगली तीन राशियों की बात करते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में होने जा रहा है। बुध आपके फाइनेंशियल हाउस के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, धन भाव के अंदर। तो क्या होगा महाराज, रुपए पैसों का जो संकट है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होती हुई दिखा रही है, तिजोरी के अंदर धन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लॉट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट विल बी देयर फॉर यू। कुल मिला के पैसों के लिहाज से आपका अच्छा समय रहेगा। उपाय क्या करना है, अपाहिज जन को भोजन करवाइएगा, बुध के महाराशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, बुध करेंगे आपकी राशि में ही गोचर, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज, बरसों पुरानी कोई तमन्ना आपकी पूरी हो सकती है, बरसों पुरानी कोई तमन्ना आपकी पूरी हो सकती है। आपके जीवन में आएगा एक अच्छा समय, लेकिन क्रोध की अधिकता आपको कर सकती है हैरान परेशान। उपाय, हॉस्पिटल के वार्ड में ताजा फलों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, बुध करेंगे आपकी राशि से ट्वेल्थ हाउस के अंदर 12वें भाव में गोचर, महाराशि परिवर्तन प्रवेश। तो बुध के 12वें भाव में गोचर करने से क्या होगा महाराज, खर्च, असंतोष, विवादों, कानूनी मामलातों से हो सकता है आपका सामना, यू हैव टू बी केयरफुल। किसी भी तरह के जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट के काम, पैसों का लेन देन, जमानत, कानूनी मैटर्स से आपको बचना होगा। विदेश यात्रा का बन सकता है आपका प्लान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से मिल सकता है आपको लाभ। उपाय, कन्याओं के अनाथाश्रम में हरे मूंग की दाल का दान कीजिएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ, रामकिशोर जी अलवर से प्रश्न पूछे। जी मैं मेरे बच्ची के बारे में पूछना चाहता हूँ। बताइए। बच्ची का नाम है संजना सोनी। हाँ जी। जन्म स्थान नागौर, शाम 4:55 और 3/5/2005। 3 मई 2005। हाँ। 3 मई 2005 समय शाम को 4:55 नागौर। प्रश्न क्या है, कब शादी होगी बच्ची? अजी महाराज अभी तो बहुत छोटी है बच्ची, पढ़ाओ लिखाओ, अफसर बनाओ। पढ़ रही है। हाँ। इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य उच्च राशि का है, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, बच्ची पढ़े लिखे कलेक्टर बन सकती है, बड़ी अफसर बन सकती है, अगर लॉ सेक्टर में भेजें तो कहीं हाईकोर्ट जज बन सकती है, आपके परिवार का 7 पीढ़ियों का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन इस बच्ची की जन्म कुंडली में बुध नीच राशि का है, नीच राशि का बुध इसको जीवन में हैरान परेशान भी कर सकता है। जब भी आप इसका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करने के पश्चात में ही इसका विवाह कीजिएगा, और विवाह करने से पहले जब भी संबंध तय हो जाए, शादी से 8-10 दिन पहले एक अर्घ अघट विवाह जो होता है भगवान विष्णु से जो विवाह करवाया जाता है वो करवा दीजिएगा। इसको एक 5.25 रत्ती का पुखराज रत्न हमेशा इंडेक्स फिंगर में पीला पुखराज सोने में पहना के रखें। हरे कपड़े नहीं पहनाने हैं, बुधवार को हरी सब्जी नहीं खिलानी है। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। योग्य आचार्य से बुध की विधिवत शांति करवा लीजिएगा। मूल प्रश्न आपका ये था कि इसका विवाह का योग कब बनता है,
तो 2026 में, 2 साल पश्चात में इसके विवाह का योग बनेगा। मेरा यह मानना है कि आप इस बच्ची को तैयारी कराइए, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। शर्वी अलवर से जुड़ी आपका प्रश्न पूछिए। सर वो पंडित जी राधे राधे, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, वो कोई ना जॉब करता, मतलब कि तारीख समय बताए। 25 दिसंबर 1995 और 10 बजे, रात की 10 बजे। देखिए बेटा, जहाँ तक आपके भाई की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में भी शनि का अंतर है, विष योग चल रहा है, और ये विष योग जो है वो जीवन के अंदर हैरान परेशान करता है। इस बच्चे का जन्म गणमूल नक्षत्र में हुआ है। अपने मम्मी से पूछिएगा, पैदा होते ही 27वें दिन इसके मूल शांति हुई थी कि नहीं हुई थी? यदि नहीं हुई थी तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवाइए। पितृदोष इसके कुंडली में है, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए पानी के मटके के पास, उज्जैन जाकर विधिवत रूप से पितृदोष की शांति कराएं। यही मुख्य कारण है जिसके कारण ये बच्चा जो है वो घर में अशांति का जो माहौल रहता है उसके पीछे, एक तो मघा नक्षत्र का जन्म होना और पितृदोष की शांति, ये दो शांति करवाइए। उसके पश्चात में मार्च 2026 के पश्चात में इसके जीवन में शुभता का संचार होगा, अपना दुकान अपने स्वयं का व्यापार भी कर सकता है, लाभ प्राप्त होगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगली तीन राशियों की बात करते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले हमारे दर्शक बुध करेंगे आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर, मिलेगा मनचाहा लाभ, होगी इनकम में तगड़ी वृद्धि, लेकिन लगानी होगी अपनी बोली पर लगाम। उपाय, गौपालक को वस्त्र का दान कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की, कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से दशम भाव में होगा, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, मिल सकता है मनचाही जगह पर नौकरी में ट्रांसफर। उपाय, गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि वाले हमारे दर्शक बुध करेंगे आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर प्रवेश, मिलेगा किस्मत का पूरा साथ, नौकरी हो व्यापार रहेगा गोल्डन टाइम। उपाय, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, गौवत्स द्वादशी व्रत आज के दिन किया जाएगा, गौ सेवा से धर्म अर्थ काम मोक्ष चार तत्वों की प्राप्ति होती है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, पीठ में ब्रह्मा, गले में विष्णु, मुख में रुद्र आदि देवताओं का वास है। संपूर्ण देवी देवताओं की आराधना केवल गौ माता की सेवा से हो जाती है। अग्नि पुराण के अनुसार गौ माता के पूजन से दरिद्रता खत्म होती है। जिस जल में गाय के सिंह स्पर्श करते हैं वो जल सभी पापों का नाश करता है। नियमित रूप से गौ माता को गौ ग्रास देने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो नित्य गौ माता की सेवा करता है ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। गौदान करने वालों को, गौ की महिमा का गान करने वाले, गाय की रक्षा में सहयोग देने वालों के कुल का उद्धार हो जाता है। गौ माता के श्वासों से पृथ्वी पवित्र होती है, उसके स्पर्श मात्र से पापों का नाश होता है। गौ माता के दर्शन पूजा नमस्कार परिक्रमा सहलाने गौ ग्रास देने जल पिलाने सेवा करने से मनुष्य को हर प्रकार के दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। गौ माता के चरणों की रज मस्तक पर लगाने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। गौ माता पाप विनाशक है, शिव पुराण स्कंद पुराण गौ सेवा और गौ देवा गौदान करने से यम का भय मिट जाता है ऐसा कहते हैं। जहाँ गौ माता है वहाँ मंगल ही मंगल है। गौ भक्त मनुष्य जिस जिस व्यक्ति की इच्छा करता है सब उसे प्राप्त हो जाता है। पुत्रार्थी पुत्र मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, कन्यार्थी कन्या को प्राप्त करता है, धन चाहने वालों को धन, धर्म चाहने वालों को धर्म प्राप्त हो सकता है। निसंतान दंपतियों के व्रत हम अवश्य करना चाहिए। जल्दी से जान लेते हैं सरल विधि, गौ माता पूजन आरंभ करते समय प्रथम आचमन करें। गौ माता के शरीर पर जितने केश है उतने वर्षों तक मुझे स्वर्ग समान सुख की प्राप्ति हो, इसलिए गौ माता का पूजन करता हूँ, इस प्रकार संकल्प करें। प्रथम गौ माता के पूजन का संकल्प करें, गौ माता को अक्षत अर्पण करके आह्वान करें, अक्षत अर्पण करके आसन दें, पाटा अर्ध स्नान आदि उपचार अर्पण करें, वस्त्र अर्पण करें, उपरांत गौ माता को चंदन हल्दी कुमकुम अर्पण करें, अलंकार अर्पण करें, पुष्पमाला अर्पण करें, गौ माता के प्रत्येक अंग को स्पर्श करके न्यास करें, गौ माता के पूजन के उपरांत बछड़े को चंदन हल्दी कुमकुम पुष्पमाला अर्पण करें, गौ माता और उसके बछड़े को धूप के रूप में 2 उदरबत्तियां दिखाएं, दीप का दर्शन कराएं, नैवेद्य अर्पण करें, लापसी के लड्डू खिलाएं,
उसके उपरांत गौ माता की परिक्रमा करें, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गौ माता की परिक्रमा करें, तुलसी पत्र का हार अर्पण करें, अर्ध प्रदान करें, आचमन से पूजा का समापन करें, गौ माता को भक्ति पूर्वक प्रणाम करें, सरल विधि से गौ माता का पूजन करें, अर्चन करें, बोलिए जय जय गौ माता तेरी सदा ही जय हो। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही, कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़।